ये है स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक आईरिस का। इसके पहले मैं सैमसंग का SHS787 का मैं 3 सेट यूज कर रहा हूँ। उसका 3 लॉक मेरे पास है जो रिमोट से ऑपरेट होता है। ये देखिए कि ये आपका लॉक है। हाँ देखिए, एक कोरिया मेड है। कोरिया देखिए, ये कोरिया मेड है और इसमें ऑपरेशन है आपका, इसमें जो ऑपरेशन है ये है आपका मैनुअल की, नंबर कार्ड, और इसमें है बायोमेट्रिक, इसमें है फेस रीडिंग एंड प्लम रीडिंग, मतलब दूर से आपका हाथ भी ये पढ़ सकते हैं। ये अनटच है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका फेस से ही आप एंट्री कर सकते हो, या आपका हाथ ऐसा हिलाने से ही, आपका दूर से हाथ हिलाने से ही आपका हाथ को स्कैन कर लेगा और ये लॉक अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और एक फीचर दिया हो, मतलब दिया हुआ है, वो क्या है, यह है मतलब पुश पुल तो है ही, वो जो है वो है आपका IoT। इसे आप वाईफाई से जोड़ के, इसे आप दुनिया के किसी भी हिस्से से, अगर ये लॉक यहाँ पर आपका इंटरनेट से जुड़ा रहा और आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो जहाँ इंटरनेट हो, तो आप वहां से भी ये लॉक को आप अनलॉक कर सकते हो, जो सैमसंग का उसमें नहीं है। उसमें सिर्फ रिमोट है, रिमोट करीब 15 मीटर तक वो काम करता है, वो भी खराब नहीं है, और वो मतलब कार रिमोट जैसा है, और इसमें सुविधा और थोड़ा ज्यादा है। इसका प्राइस आता है करीब 50,000 के करीब, 48,500, 49,000, 50,000 या 51,000 के करीब इसमें आता है। ये 4 बैटरी से ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन बैटरी यहाँ पर 8 आप लगा सकते हो, 4 से ये ऑपरेशन मोड में आ जाएगा और बैकअप की तौर पे ये 4 यहाँ पर ये रखा जाता है। ये पूरा ही बिल्कुल 7 मतलब सैमसंग का SHS 718 की तरह ही है। सैमसंग SHS 718 का जैसा बनावट है वैसा ही बनावट इसमें है। इसमें आज ये नया फीचर्स आपको थोड़ा मिल रहा है और उसका प्राइस आज भी 70,000 है विथ रिमोट, 17,000 के करीब, आपका 2-3,000 कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें इसका आपका 50,000 के करीब इसका प्राइस आता है। वो सैमसंग का है, साउथ कोरिया मेकिंग। ये आइरिस का, ये भी साउथ कोरिया मेकिंग है। ये लॉक मैं 6 साल से यूज कर रहा हूं सैमसंग का और एडेल का, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है उसमें, लेकिन सही ढंग से आपको यूज करना पड़ेगा। आप कभी इसमें मिक्सिंग बैटरी नहीं यूज कर सकते, यानी डिफरेंट ब्रांड बैटरी, ऑल्सो यूज अल्कलाइन बैटरीज, नॉट कार्बन बैटरीज, नॉट लिथियम बैटरीज, और आप न्यू और ओल्ड बैटरी आप मिक्स नहीं कर सकते हो, तब ये खराब हो जाएगा, तब ये लिक्विड लीकेज होगा बैटरी से और ये लिक्विड डैमेज हो जाएगा, तब आपका वायरिंग भी चेंज करना पड़ेगा, कार्ड भी चेंज करना पड़ेगा। अवेलेबल होगा तो आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे।